रहमान अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र कि मैं भी ठीक हूँ। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ खुश रहें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अल्लाह ताला आपको जिंदगी की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। इसीलिए एक दुआ के साथ आज वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, मेरी वीडियो को लाइक कर, बहन भाई के साथ शेयर कर, साथ में जो घंटे के बटन उसको दबा के तो आप भी क्लिक कर लें ताकि मेरी और असर की वगैरह पढ़ के। तो हम लोगों ने थोड़ा सा काम था वो किया था तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। तो अब मगरब की अजान होने वाली है और आज शाम के खाने में हमने बनाना दाल और चावल। देखें वीवर, अजानें शुरू हो गई है, अजानें हो गए फिर आपको मैं बताती हूँ। वीवर, मगरब की जो अजान है वो हो गई है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, दोपहर को मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि रात को हमने बनाया था कीमा और कीमा गर्म होता है तो उसकी वजह से मेरा बीपी हाई हो जाता, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और आज मैंने कहा कि चलो दही भल्लियाँ मंगा के, तो वो खाते हैं। मैंने दही भल्लियाँ मंगाई, साथ में मैंने मंगाई ये बोतल और मगरब की जान होगी। लेकिन ये देखें मक्खियाँ कितना ज़्यादा, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा। और मैं जब भी कोई चीज़ मैं खाती हूँ, चावल वगैरह खाती हूँ या कोई दही भल्ले खाती हूँ, तो मैं इसमें ये जो हमारा ना कोला ना इसमें मैं खाती हूँ, क्योंकि प्लेट में मुझसे ना ये पकड़ी नहीं जाती, प्लेट में से ना वो नमाला नहीं मुझसे भरा जाता, तो मैं इसमें खाती हूँ। और साथ में मैंने ये रखी हुई है गिड़के, ये मैंने खुद घर में बनाई है। और तो मैं इसमें ना ऐत क्रीमा वो पड़ रही हूँ, तो ये मैंने जो भल्लियाँ मैंने डांप दी है और साथ मैंने बोतल रखी है। और शाम का टाइम है और जो परिंदे वगैरह वो भी अपने घरों को जा रहे हैं और इस टाइम हर वो देखें आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, परिंदे अपने अपने घरों को जा रहे हैं। और ये इस टाइम हर बंदे इंसान हो चाहे हैवान हो, उनकी उसकी कोशिश होती है कि कहीं भी गया वो अपने घर में आ जाए। और अपने घर में आके तो जो घर जो सुकून अपने घर में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। और मेरी भी कोशिश होती है, मैं कहीं भी गई हुई हूँ तो मैं अपने घर में, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने घर में जाऊँ और अपने घर में आके बड़ा सुकून फील होता है। अगर मैं बीमार भी हुई हूँ, बीमार भी हुई हूँ तो मैं अपने घर में जब आती हूँ ना तो मैं ठीक हो जाती हूँ। और इसी तरह से ना मेरा जो बेटा ना मनीब, वो जब पैदा हुआ तो उसकी ना छिले के बाद ना मेरी जो सिस्टर ने उसने मुझे की मेरी दावत की और मैं उसके पास दावत पे गई और मेरा सर में इतनी दर्द, वहाँ जाके इतनी दर्द हो रही थी, मेरी दर्द ना हटने का नाम नहीं दे रही थी। और मेरी बहन ने ना इतनी चीज़ें बनाई कि लेकिन मुझे ना खाने नसीब ना हुई, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द। मैंने वहाँ से भी डॉक्टर से मैंने दवाई ली और मुझे आराम वगैरह नहीं आया। फिर मैं घर आ गई, उसी तरह से मैं घर आ गई और घर आके मैंने हमारे इधर गांव में छोटा सा डॉक्टर था जिससे मैंने दवाई ली, तो मुझे ऐसे सुकून हुआ जैसे ना मुझे ठंड पड़ गई है। जैसे मैं अपने जू में मैं दाखिल हुई ना, अपने गांव के स्टाफ में मैं दाखिल हुई, तो मुझे ना सुकून होना शुरू हो गया। और मुझे सुकून हो गया क्योंकि मेरी सिस्टर का जो घर है ना सारा वो बंद है। और मुझे जितनी देर में मैं खुली हवा में ना सांस लूँ या मैं गर्मियों में खुली हवा में ना बैठूँ और सर्दियों में मैं धूप में ना बैठूँ, तो मेरा ना दिन शुरू होता है ना मेरी रात होती है। तो मेरी आदत है कि मैं खुले सेन में रहती हूँ। और अभी हमारा भी घर थोड़ा सा बंद है और लेकिन हमारा खुला सेन भी है, हम रात को चारपाइयाँ वहाँ बचा के वहाँ सोते हैं। और सर्दियों में भी मैं धूप में बैठती हूँ, ज़रूर बैठती हूँ, छत पर जाके बैठ जाऊँ या हमारा सेन है उधर बैठ के, तो सर्दियों में मैं धूप में एंजॉय करती हूँ। और जिस दिन धूप ना निकले तो मेरा जो ना दिन बहुत बुरा गुजरता है, और तो धूप की वजह से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो अभी पर आज मैंने वीडियो नहीं बनानी थी लेकिन फिर मैंने कहा कि थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देती है, मैं ऑन कैमरा नहीं आई, मैंने वैसे ही आप लोगों के साथ जो थोड़ी सी रूटीन आज की शेयर कर दी है। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और इसी के साथ ही जो मैं आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ, मगर भी जान हो गई है, अब नमाज़ पढ़ते हैं। तो कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, अल्लाह हाफिज़।